लंबे अरसे से सक्रिय बाइक चोरों पर पुलिस ने कसी नकेल। दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की एक बाइक बरामद। पूछताछ के बाद हो सकता है बड़ा खुलासा। लंबे अरसे से पुष्कर में सक्रिय बाइक चोरों पर नकेल कसते हुए पुष्कर पुलिस ने दो बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली, जिनसे चोरी की गई एक बाइक भी बरामद की गई है। पीड़ित ने 7 महीने पहले पुष्कर थाने में बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुष्कर पुलिस के अनुसार बाइक चोरों के आरोपी से पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुष्कर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर ने बताया कि पीड़ित पुष्कर थाना अंतर्गत ग्राम आसन कुंडिया निवासी बंसीनाथ नेगेट 9 मई 2024 को थाने पर उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि उसके घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। थाना प्रभारी राठौर ने बताया कि हाल ही में जिला पुलिस कप्तान वंदिता राणा के निर्देशों पर थाना क्षेत्र में होने वाली चोरी और नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक शर्मा और CEO ग्रामीण रामचंद्र चौधरी के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। टीम ने बुधवार को प्रकरण में आरोपी रूपनगढ़ निवासी 20 वर्षीय हरि पुत्र कानाराम बावरिया और बांद्र सिंधरी निवासी 19 वर्षीय अनिश पुत्र नौरथ बावरिया को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से TVS स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुष्कर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर ने बताया कि आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिसके चलते मामले में कुछ बड़ा खुलासा होना संभव है। इस दौरान पुष्कर पुलिस टीम में सहायक उप निरीक्षक तेजाराम, कांस्टेबल विजय, जगदीश, सोहन सिंह, घनश्याम, बोमाराम और अमित कुमार शामिल थे।